किया गया, लेकिन यह विशेष टीम जांच के नाम पर वसूली में जुट गई। गोड्डा में रात के अंधेरे में वसूली, ओवरलोडिंग की जांच के नाम पर वसूली, ट्रक ड्राइवरों से 50-50 रुपए की वसूली, अवैध माइनिंग पर कैसे लगेगी रोक? गोड्डा में अवैध माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, लेकिन अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने की बनाई गई ये टीम अपना पॉकेट गर्म करने में जुटी हुई है। रात के अंधेरे में ओवरलोडिंग की जांच के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। ओवरलोडिंग की जांच के लिए गोड्डा थाने के पास मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब चालान चेक करने के नाम पर नजराना वसूलने में जुटे हुए हैं। चालान चेक किया है, लिया कैसे का पैसा लिया? 50। कौन थाना का ताला था? हमको नहीं पता है भैया कौन था। गोड्डा है ना ये? गोड्डा जिला तो गोड्डा थाना है ना। अच्छा ठीक है, 50 रुपया लिया आपसे। सब ट्रक लस ले रहा है? आपका लोड गाड़ी है? कहाँ का गाड़ी है? ओवरलोडिंग की जांच के लिए 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। नाइट शिफ्ट में शिक्षा विभाग के कर्मी विलास ठाकुर की ड्यूटी लगी थी, लेकिन वे चालान चेक करने के नाम पर ट्रक ड्राइवरों से 50-50 रुपए वसूली में जुटे थे, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अवैध माइनिंग पर कैसे लगाम लगेगी, जब दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को ही सौंप दिया गया हो। गोड्डा से न्यूज 11 भारत के लिए आदित्य की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।